स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में, और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Realme 5 की। ये है हमारे पास बॉक्स, और करते हैं इसकी सील ब्रेक और देखते हैं हम वीडियो को अंत तक कि इसमें Realme ने है वो क्या कुछ नया किया होगा। तो आप इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम इसको अभी करते हैं अनबॉक्स। तो ये हो गया है हमारा फ़ोन अनबॉक्स, और सबसे पहले ऊपरी ऊपर हमें मिल जाता है ये एक सेक्शन, जिसके अंदर हमें मिलता है Realme की तरफ से ये फ़ोन के प्रोटेक्शन के लिए एक कवर और ये कुछ पेपर वर्क। इनको रखते हैं हम सबसे पहले साइड में, और ये मिलती है हमें हमारी मेन यूनिट जो कि थोड़ी सी हैवी वेट है, और इसको रखते हैं हम साइड में। और ये हमें मिल जाता है एक पावर एडेप्टर जिसकी आउटपुट है वो है 10 वॉट, जो कि फास्ट चार्ज तो नहीं है। और ये है एक माइक्रो USB टू USB केबल। तो ये है इसकी कंप्लीट एक्सेसरी। अब बात करते हैं हम इसके फ़ोन की। तो सबसे पहले उतारते हैं ये प्लास्टिक रैप, और पीछे से भी उतारते हैं ये, और जो कलर है वो है पर्ल पर्पल, और डिज़ाइन है वो डायमंड कट में है जो कि देखने में काफ़ी कूल लगता है। अब अगर फ़ोन की एक बार हम ओवरव्यू की अगर हम बात करें, तो सबसे ऊपरी ऊपर हमें यहाँ मिल जाता है प्राइमरी कैमरा, उसके ऊपर मिल जाती है स्पीकर ग्रिल, और ऊपर वाला हिस्सा है एकदम क्लीन। फ़ोन की राइट साइड की अगर हम बात करें तो मिल जाता है पावर लॉक अनलॉक बटन। फ़ोन के नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो राइट साइड में मिल जाती है हमें स्पीकर ग्रिल, सेंटर में मिल जाता है माइक्रो USB पोर्ट, उसके बगल में हमें मिल जाता है प्राइमरी माइक्रोफोन, और सबसे लेफ्ट साइड में मिल जाता है 3.5 mm जैक। उसके बाद में अगर फ़ोन की हम लेफ्ट साइड की बात करें तो हमें मिल जाती है वॉल्यूम रोकर बटन्स, और ऊपर की तरफ मिल जाती है हमें सिम ट्रे। सिम ट्रे हम देखना चाहेंगे कैसी है, हाइब्रिड है या नॉन हाइब्रिड है, कैसा ऑप्शन है, वो भी हम आपको बताते हैं। फ़ोन की अगर हम बैक साइड की अगर हम बात करें, तो बैक साइड में हमें नीचे नीचे की तरफ मिल जाता है यहाँ ये Realme का लोगो, और उसके बाद में हमें ऊपर की तरफ मिल जाता है ये एक फिंगरप्रिंट सेंसर, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। और बाद में बात करते हैं स्क्वाड कैमरा वर्टिकल सेटअप की, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का, उसके बाद में जो नीचे वाला कैमरा है ये है 8 मेगापिक्सल का, और ये जो नीचे वाले दो कैमरे हैं ये हैं 2 और 2 मेगापिक्सल के। और बैटरी जो है इस फ़ोन में वो है 5000 mAh की बड़ी बैटरी। तो बैटरी के मामले में ये फ़ोन है वो गजब होने वाला है। फ़ोन हो चुका है बूट, डिस्प्ले है वो है 6.5 इंच की एक डिस्प्ले जो कि है LCD पैनल के साथ में। अब हम सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाते हैं, और सेटिंग में जाने के बाद में अबाउट फ़ोन में देखते हैं कि हमें क्या कुछ इसमें नया दिया है Realme ने। कलर OS वर्जन है वो है 6.0.1, एंड्रॉयड वर्जन है 9, प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 665, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 4GB की रैम है, 64GB का स्टोरेज है, और 51.3GB अवेलेबल है। तो ये है इस फ़ोन का इनर व्यू। बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी की, तो फ़ोन में फिंगरप्रिंट है वो है फिज़िकल, और फिज़िकल में जैसे ही मैंने यहाँ लगाया, लगाते ही ओपन, ये लगाया लगाते ही ओपन, फिर से लगाया और लगाते ही ओपन, तो फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी फास्ट है। बात करते हैं इसके फेस अनलॉक की कि ये फेस कैसे रीड करता है, और बिल्कुल हल्का सा 1 सेकंड का है वो लैग लेता है, लॉक स्क्रीन आती है, तो फेस अनलॉक है वो थोड़ा सा स्लो है, बाकी ठीक है। अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की, जो कि है काफ़ी बिजी सिस्टम यहाँ पे, और इसका मैं बनाता हूँ, आगे आपको डिटेल्स देता हूँ पूरी। ये मैं शूट कर रहा हूँ Realme 5 से, और चारों तरफ से एक राउंड लेके आपको मैं दिखाता हूँ क्या इसकी क्वालिटी है कैमरा की। और अगर हम जूम की बात करें तो ये है 1x जूम, और ये है 2x जूम, और ये है 5x जूम। इसमें कुछ क्लियर दिखाई देता है, लेकिन बाद में अगर हम 5 से ज़्यादा करेंगे, 10x जूम पे जाएंगे, तो हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। दिखाई तो हमें देता है लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो ये था इसका क्वाड सेटअप एक। और प्राइस की अगर हम बात करें तो Realme 5 मिलना स्टार्ट होता है 10,000 रुपये से, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ में। तो ये था इसका एक छोटा सा कैमरा टेस्ट। ये है एक सेल्फी फ़ोटो जिसमें SDR भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं लेता हूँ रियर कैमरे से फ़ोटो, रियर से भी काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ है वो आ रही हैं, SDR भी अच्छे से काम कर रहा है। तो यही था इसका पूरा कैमरा सिस्टम। तो ये था Realme 5 की अनबॉक्सिंग, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।